महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। शिवसेना की दूसरी लिस्ट में भायखला से मनोज जामसुतकर को टिकट दिया गया है, वहीं शिवडी से अजय चौधरी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा संदेश पारकर कणकवली सीट से तो वडाला से श्रद्धा जाधव चुनाव लड़ रही है। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों की पहली सूची में कुल 65 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। इस सूची में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की बेटी और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को वर्ली से प्रत्याशी बनाया गया है। पहली सूची में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के भाई और विक्रौली से मौजूदा पार्टी के विधायक सुनील राउत को फिर से विक्रौली से ही प्रत्याशी बनाया था। वहीं पार्टी ने उस्मानाबाद से पार्टी के विधायक कैलाश पाटिल को इस बार धाराशिव विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को ही एक चरण में होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना यूबीटी एनसीपी एसपी और कांग्रेस की विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए इसे सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में है। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।